तो हेलो गाइस, आज हमारे पास आ गया है आईकू का फोन जिसका नाम है आईकू Z7 Pro। चलो उसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के सबसे ऊपर होता है आईकू Z7 Pro, इसके नीचे रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये नीचे और फिर एक क्लियर केस मिलता है स्मूथ क्वालिटी का, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, 67 वॉट का अडेप्टर, और फिर USB A टू USB Type-C केबल स्ट्रॉन्ग है। अब गाइस फोन को बूट करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको फ़ोन के बारे में। फ़ोन मैंने सेटअप करके रखा है, अब चलो उसको मैं खोलता हूँ। सबसे पहले हमें बात करेंगे कैमरा की, तो कैमरा है 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल बोकेन कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल, प्रोसेसर है Dimensity 7200 जो कि 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है इसका, 8GB के रैम, 256GB की स्टोरेज, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, फिर 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन जो कि 120 हर्ट्ज़ पर बेस है। और गाइस ये हर ऐप में 120 हर्ट्ज़ चलाता है। चलो ना अभी एक स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, देखते हैं गाइस 5G का स्पीड आता है कितना फास्ट आता है। ओ MBPS, मतलब यार जियो का सिम है, इतना ज़्यादा स्पीड देखो यार आप लोग, 806 MBPS। और गाइस अगर हम लोग बात करें इसके स्क्रीन की क्वालिटी की, तो ये गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन के साथ आता है जो कि ओके ही है। और लाइट्स आता है वीवो के V29 सीरीज़ का जो कि और लाइट्स इसमें भी आता है। वैसे ये आईकू का फ़ोन लगता नहीं है, क्योंकि जो कि वीवो के सुंदर दिखने वाले फ़ोन होते हैं ना वैसा लगता है ये फ़ोन। और गाइस इसमें तो बहुत कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन भी है, ठीक ठाक फ़ोन है। और गाइस इसमें 2 कलर वेरियंट आते हैं, ब्लू और फिर एक ब्लैक, दोनों में ही मैट फिनिश देते हैं, आप बिना कवर का यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन को। इस वोट का वेट है 170 ग्राम्स, जिससे आपको बहुत लाइट लगेगा, बहुत स्लिपरी भी है ये फ़ोन, ये बात याद रखिएगा, आपके हाथ से गिर सकता है। इसके साथ एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ आता है। और गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। बाय बाय।